केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ की आग अब राजस्थान के धौलपुर जिले में भी पहुंच गई है। सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं ने धौलपुर में अग्निपथ को लेकर कॉलेज रोड रेलवे फाटक पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कॉलेज, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और बस स्टैंड समेत अन्य स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात कर प्रदर्शनकारी युवाओं को डिटेन कर लिया। लेकिन जिले के राजाखेड़ा उपखंड के रोडवेज बस स्टैंड पर आक्रोशित युवाओं ने राजाखेड़ा से दिल्ली जा रही रोडवेज की बस पर पथराव कर दिया, जिससे बस में बैठी सवारियों में भगदड़ मच गई। छात्रों द्वारा पथराव करने से बस के शीशे टूट गए, लेकिन बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी। इसके बाद आक्रोशित युवाओं ने बस स्टैंड के पास टायर जलाकर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शन कर रहे युवा वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ युवाओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे उग्र प्रदर्शन को देखते हुए जिले में रेलवे ट्रैक, स्टेशन और बस स्टैंड समेत अन्य जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा मोर्चा संभाले हुए नजर आए। मन में बच्चों का जो मूवमेंट होने की संभावना थी, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर में मास्क जागरूकता लगाया हुआ है। सभी जगह शांति है, बच्चों को समझाइश कर रखी है, तो सब शांतिपूर्वक काम होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, कुछ लोगों को, युवाओं को हिरासत में लिया है क्या? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोटा मोटा पाबंद किया होगा हिरासत में।